सो गाइज हम लोग निकल रहे हैं कहीं, और इधर देखिए लोग तैयार हो रहे हैं। मेरे से पहले बोलते हैं तैयार हो जाएंगे और बाद में तैयार होते हैं, और आजकल मैं ये काम कर रही हूँ। आजकल जोधा अकबर में देख रही हूँ। मुझे एपिसोड का डर नहीं रहता है कि एपिसोड खत्म हो गया, अरे आगे क्या हुआ, देखते जाओ। तो मजा आ रहा है आजकल मुझे, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखती हूँ, लेकिन आजकल मैं कुछ ज्यादा ही टीवी देख रही हूँ, बहुत ज्यादा। तो मैं छोड़ के जा रही हूँ अपने पति को, क्योंकि रोज ये बोलते हैं हर बार कि तुम तैयार हो जाओ, मुझे तो 2 मिनट लगेगा। और फिर क्या होता है, क्या हो गया तैयार, चलिए। और यहाँ छटंकी राय साहब अपना टीवी देख रहे हैं, तो बस हम लोग निकलने वाले हैं। मैं देख लेती हूँ, मुझे हेयर पिन लेना है, क्योंकि पूना में भी काफी गर्मी पड़ रही है। देखो बात में मैं बताना भूल गई थी, तो सबसे पहले बता दूं, तो पूना में काफी गर्मी पड़ने लगी है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हेयर क्लिप ले लूं। और यहाँ तो देखो टीवी ऑन ही छोड़ दी। आजकल मुझे टीवी का इतना हो गया है ना, क्या बताऊं कि बस मैं सारे काम करती हूँ, और जो मेरे और काम होते हैं ना, वो सच में पेंटिंग रह जा रहे हैं। पेंटिंग वगैरह मेरी नहीं हो पा रही है, तो बस यही है कि ये थोड़े से चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, मुझे छोड़ना है। बट पता नहीं, जोधा अकबर जब आया था तो मैं नहीं देख पाई थी, उसके कुछ रीजंस थे, तो क्योंकि 2013 से जोधा अकबर स्टार्ट था और काफी दिनों तक चला, कितने कोई जानता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो मैं नहीं लूंगी, तो मैं देखी नहीं हूँ जोधा अकबर, थोड़ा थोड़ा देखी हूँ, थोड़ा थोड़ा याद आता है। और यहाँ ये देखिए, मैंने अपनी बालकनी का ना मेकओवर कर दिया, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अभी बहुत कुछ करना है, कर नहीं दिया है, बस प्रोसेस चल रहा है, तो टाइम लगेगा, धीरे 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 करती रहूंगी, क्योंकि मुझे सोच सोच के करना है क्या क्या चीजें लगानी है। मतलब क्या होता है ना कि अचानक मैं सारी चीजें मंगा के कर लूंगी, तो फिर कुछ और सेटिंग चेंज करना होता है ना, तो फिर समझ में नहीं, तो चीजें करें क्या, कहाँ इसको रिप्लेस करें, क्योंकि BHK फ्लैट में ये प्रॉब्लम होती है कि आपको स्टोर रूम नहीं मिलते हैं। तो जब हमने अपना घर चेंज किया था ना, तो ये प्रॉब्लम काफी फेस करना पड़ा था। तो पॉइंट पे आती हूँ, तो यस हम लोग जा रहे हैं राय साहब के फ्रेंड के यहाँ, और आज एक और हमारी एक पार्टी थी, आराध्य के फ्रेंड्स की पार्टी, तो जो पेंडिंग रह गई है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा बिजी शेड्यूल था और आराध्य के फ्रेंड्स को हमें 12 बजे बुलाना था, बट हम बुला नहीं पाए थे। तो जब बुलाएंगे तो दिखाएंगे कि क्यों बुला रहे हैं, क्या गिफ्ट्स वगैरह ला के सब कुछ रख दिए थे किड्स पार्टी के लिए, बट वो नहीं हो पाया। बाद में मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि किड्स पार्टी अराउंड 4 o'clock को रख देती हूँ, हमें निकलना है। बट इतनी थकान हो गई थी, हमने लंच किया, लंच करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करने लगे, हमें 4 o'clock पे निकलना था, बट स्टिल अभी 5:30 हो रहा है, हमें दूर निकलना है। तो देखते हैं, मैं कभी गई नहीं हूँ उनके यहाँ पे, अभी फर्स्ट टाइम में जा रही हूँ, तो देखते हैं। तो मैंने सारा कुछ घर का अरेंजमेंट कर दिया है, ये बालकनी में बंद करूंगी, बालकनी बंद करके, और जो मेरी चिड़िया उड़िया है सबको अंदर मैंने रख दिया है, तो यस बालकनी को कर दिया है बंद, इधर की भी बालकनी बंद कर दूंगी, और फिर हम निकलेंगे। तो आराध्य काफी एक्साइटेड था अपने फ्रेंड्स को, एक्चुअली आराध्य ने ना कुछ मंगाया है, थोड़ा सा क्लू देती हूँ, तो उसको अपने फ्रेंड्स को दिखाना था, तो इसलिए वो फ्रेंड्स की पार्टी रखा था, किड्स पार्टी, बट तो वो पार्टी अभी हो नहीं पाई है, तो देखते हैं, क्योंकि आराध्य की तो अभी छुट्टियां चल रही है, बट इसके जो फ्रेंड्स है ना, उनकी छुट्टियां हो गई हैं ओवर, तो उनके कल से स्कूल से स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ फ्रेंड्स के, कुछ के हैं, कुछ के स्कूल ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है पुणे में, अप्रैल में सेशन स्टार्ट होते हैं, मई में ऑफ रहता है, अगेन से जून में स्टार्ट हो जाते हैं सेशन। तो आराध्य के भी छुट्टियां चल रही हैं और फ्रेंड्स के, आराध्य बंद करो टीवी, जब आराध्य के एग्जाम चल रहे थे तो उनकी छुट्टियां चल रही थी, तो बस ऐसे ही चल रहा है। अभी उनके फोन भी आने लगे, जिनके यहाँ जाना है भैया के, उनके फोन आ रहे हैं, तो देती हूँ पतिदेव को, वो बात कर लेंगे। ये देखिए आ रहे हैं फोन, हेलो करो, हेलो बाय, हेलो बाय, व्हाट इज दिस, हेलो बाय, हाय एंड बाय। अरे दूर हटो, पैर पे गिरेगा,
बेवकूफ हो गया हुल्ला झुल्ले वैसे भी तो गोट भारी लग रहा है ये गया क्या मुंह बना रही है नहीं तो पता आ रही हूँ मैं तुम्हें तेरा हड्डी पसली खोल दूंगा जोकर समझ गया जोकर वीडियो बना रही हूँ पानी चाहिए क्या सुबह सुबह बच्चों ने और जेंट्स पार्टी ने खाना खा लिया है अभी हमारा बचा हुआ है फिर आना तो पार्क मैंने सोचा कि अच्छा रुको मैं पोडियम देख भी लूंगी और आराध यहाँ पहली बार आया है तो शायद थोड़ा सा मैं देखूंगी एक मिनट इधर बात करना है अरे शायद हमको बुला रहे हैं हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं नहीं सुनते जी हाथी के दर्द दिखाने की और खाने की और होते हैं ना वही वाले दांत देख रहे हैं कितना सुन रहे हैं बात वही वाले दांत हाथ है जो भैया को पेनाल्टी लगाना चाहिए हमेशा ऐसे ही छोड़ देता है कहाँ गया आराध्य आराध्य कहाँ गया ये दम दीजिए पीओ का दम दीजिए खाली तो आदो हनी हनी आदो खाए हनी रोटी सब्जी खाओगी दाल रोटी खाओगी वो भी नहीं खाओगी क्या खाओगी ये दोनों की दोस्ती यहाँ भी हो गई हाँ नहीं अच्छा है ना पास पास नहीं है तो दोस्ती ज्यादा अच्छी हो जाती आज आरु आरु तो इसे बेटा उसको नहीं वीडियो बना रहे हैं का डुछ 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 वहाँ पूरा यूपी में यही है ये कहते हैं ना अगर छोला बनना हुआ तो उसका तैयारी सुबह से छोला भिगोना है शाम को छोला बनने का मैं बोलती हूँ यहाँ बन भी जाता है पता भी नहीं चलता आलू की पूड़ी बननी है तो यहाँ तो नमक कोई बताएगा ये मसाला डालना पड़ेगा ही नहीं ब्लॉग बना रहे हैं कैसे जरा डब्बे में भर दीजिए ऊपर में से क्या है उधर चिकन है अच्छा मैं भाग के आई हूँ इसलिए तो उधर रखा गया है साइड में नहीं अब तो थोड़ा सा मेरा मतलब निकालती नहीं हूँ टच नहीं करती हूँ लेकिन थोड़ा तो चल जाता है मेरा ये अच्छा दिया है ना किचन में इधर बीस पेस दिया है आपका किचन में अच्छा दिया ना इधर स्पेस दिया है मैं सोची थी कि सर्विंग का एरिया कर दिया हमने सर्विंग के लिए सही जाएगा तो उधर ही रख देते हैं बना के नहीं डिफरेंट सेक्शन है नॉन वेज के लिए वो सही है उधर मिक्सी विक्सी के लिए ना सही रहता है थोड़ा सा अच्छा दिया है मेरा ब्लॉग का चैनल भैया ने कमेंट किया था कोई मैंने मैं ही करती हूँ अच्छा आप
अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो बहुत दिनों बाद मैंने देखा था क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे थे ना, तो मैं कुछ कमेंट वगैरह नहीं देख रही थी। फिर मैंने फिर आपको मोबाइल सेट ना मेरे पास है, इन्होंने नया लिया, तो क्योंकि इन्हीं का नंबर, इन्हीं का फोटो वोटो है, तो लगता है लोगों को कि यही है। हाँ, नाम भी इन्हीं का है ना। मैंने बोला कि मैं ब्लॉग बना के अब सीधे से अभी चोट लगी है ना। क्या हो गया? नहीं, बाहर नहीं करने देते हैं ना सोसाइटी वाले। नहीं, अंडा का नाम लेंगे तो नहाना पड़ेगा भाई। नाम ले सकते, नाम ले सकते, देख नहीं सकते एकदम। कहाँ गए ये लोग? ये दोनों लोग कहाँ गए? भैया कहते थे इस लेवल पर कितनी जोर जाएगा तो फिर आदू तर क्या रहे हो? अच्छा अच्छा, गिरोगे तुम लोग। ये देखो, रात गाड़ी आ रही है, देखो उसकी गाड़ी आ गई। मम्मी कहाँ आ गई? बाय। कहाँ रह गए आप लोग? सीढ़ी से आए क्या? बाय 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 पीयू।